आज की वीडियो में हम जानेंगे अंतरिक्ष यानी स्पेस के ऐसे चौंकाने वाले रहस्य जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं सुने और देखे होंगे। रहस्य जानने से पहले जानते हैं अंतरिक्ष यानी स्पेस है क्या। अगर एक पृथ्वीवासी के हिसाब से बात करूं तो अंतरिक्ष वो जगह है जो कि 100 किलोमीटर सी लेवल से सीधा जाने पर आती है और जहां ना तो सांस लेने के लिए और ना ही लाइट को स्कैटर करने के लिए हवा है। आइए इस पिक्चर के थ्रू जानते हैं स्पेस है कहां। जैसा कि हम सब जानते हैं एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है। पहली लेयर है ट्रोपोस्फीयर जहां माउंट एवरेस्ट या फिर हॉट एयर बलून्स फ्लोट करते हैं। फिर है स्ट्रेटोस्फीयर जहां की कमर्शियल जेट एयरप्लेन फ्लाई करते हैं। फिर है मीसोस्फीयर जहां मीटियोर्स होते हैं और मीसोस्फीयर से सीधा 100 किलोमीटर पर एक इमेजिनरी कार्बन लाइन है जो कि धरती से सीधा जाने पर आती है और उसके आगे जाएं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस शटल्स होते हैं थर्मोस्फीयर में और एक्सोस्फीयर में हमारी 2 सैटेलाइट्स हैं जो कि 10,000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि कार्बन लाइन यानी धरती से 100 किलोमीटर सीधा जाने के लिए स्पेसएक्स फैल्कन हैवी रॉकेट जो कि विश्व में सबसे पावरफुल रॉकेट है उसे सिर्फ 3 मिनट और 24 सेकंड लगते हैं। और अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने की बात हो तो 2013 से पहले 3 दिन लग जाते थे। अब आप लोग कहेंगे ISS तो बस 400 किलोमीटर ही दूर है। इसका ये रीज़न है क्योंकि ISS बहुत ही तेज़ी से धरती के चक्कर लगाता है और इसके लिए हमें कम से कम 2 बर्न्स करने पड़ते हैं जब जाकर ISS के हम करीब आ पाते हैं। लेकिन अब ये टाइम SpaceX जैसे पावरफुल रॉकेट्स आने के बाद सिर्फ 6 घंटे रह गया है। अंतरिक्ष में कोई साउंड नहीं है क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं एक दूसरे से, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है। जबकि एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस शटल के अंदर होते हैं वो सुन सकता है क्योंकि स्पेस शटल के अंदर हवा है, लेकिन जब वो स्पेस वॉक के लिए बाहर जाता है तब उसे कुछ नहीं सुनाई देता। अंतरिक्ष काफी ठंडा और गर्म दोनों है। अंतरिक्ष का तापमान वेरी करता है 121 डिग्री और 157 डिग्री के बीच में। कोई भी फ्री मूविंग लिक्विड स्पेस में एक स्पीयर का फॉर्म ले लेता है क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल पुल नहीं है जो नीचे की तरफ उसे खींचे, जबकि अंतरिक्ष में हर एक मॉलिक्यूल लिक्विड का इक्वल टेंशन से पुल होता है उसके नेबर से। आइए देखते हैं वीडियो में पानी का बिहेवियर अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में आग नहीं लग सकती क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है जो कंबशन प्रोसेस को पूरा कर सके, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के अंदर आग लग सकती है और बहुत घातक भी हो सकती है क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है जिसकी वजह से आग फ्लोट करती है। आइए देखते हैं वीडियो के थ्रू। स्पुतनिक 1 विश्व की पहली सैटेलाइट थी जो कि सोवियत यूनियन ने लॉन्च करी थी 1957 में। अगर 2 सेम मेटल के टुकड़े स्पेस में टच करवाए जाएं तो वो परमानेंटली चिपक सकते हैं। इस प्रोसेस को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ये धरती पर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां हवा और पानी है जो ये प्रोसेस नहीं करने देती। क्या आप लोग जानते हैं चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान कभी गायब नहीं हो सकते क्योंकि वहां हवा नहीं चलती। 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन पहले पुरुष थे।
1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली वैलेंटिना टेरेश्कोवा पहली महिला थी। क्या आप लोग जानते हैं 1985 में कोका कोला पहली ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक थी जो स्पेस में कंज्यूम करी गई थी। उसके बाद कोका कोला स्पेस डिस्पेंसर का आविष्कार हुआ। क्या आप लोग जानते हैं अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स लगभग 2 इंच हाइट में बढ़ सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है, जिसकी वजह से वर्टिब्रे के बीच डिस्क को थोड़ा विस्तार करने का कारण बनता है। धरती से 40 लाइट ईयर दूर एक प्लैनेट ऐसा भी है जो कि हीरों से बना है। एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में डकार नहीं ले सकते। बड़ा ही फनी फैक्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी की कमी है, जिसकी वजह से पेट की हवा जो कि इनडाइजेस्टेड फूड से अलग नहीं हो पाती और डकार नहीं आ पाती। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 90% से ज्यादा लोग धरती से नेकेड आईज से देख सकते हैं। जब हम ऐसा देखते हैं तो एक बड़ी सी लाइन दिखती है जो कि सोलर पैनल सन की रेस से काफी चार्ज हो जाते हैं, रात को बहुत ही तेजी से जाता हुआ दिखता है। क्यूआइपर बेल्ट आइसी बॉडीज की ऐसी रिंग है जो कि नेपच्यून के बाद स्टार्ट होती है। जैसे धरती की सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि चांद है, वैसे जुपिटर के 79 चांद है जो जुपिटर के चक्कर लगाते हैं। क्या आप जानते हैं एस्ट्रोनॉट्स का यूरिन स्पेस स्टेशन में रिसाइकल करके पीने के लिए दोबारा यूज किया जाता है? है ना चौंकाने वाला राज। एप्पल सॉस पहला खाना था जो कि जॉन ग्लेन ने स्पेस में पहली बार खाया था, और अंतरिक्ष के खाने का सारा पानी निकाल के एयरटाइट पैकेट में पैक किया जाता है, जहां पे पानी का और मॉइस्चर का इंटरेक्शन नहीं होता। आईएसएस के अंदर के लिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक ट्रेडमिल रखा है जहां क्रू मेंबर्स को रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए है ताकि उनका बोन लॉस और मसल लॉस ना हो। सो आखिरी फैक्ट हमारा ये है कि एस्ट्रोनॉट्स पूप बैग्स प्लास्टिक के स्पेस में यूज करते हैं लैट्रिन के लिए, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं। आइए देखते हैं वीडियो में आईएसएस का टॉयलेट। सो ये है टॉयलेट सीट और इसका डायमीटर लगभग 5 से 6 इंच है, जहां हम बैठते हैं और टॉयलेट करते हैं। और जैसा कि एस्ट्रोनॉट को मशरूम पसंद नहीं है जो बता रहा है, वो इसे वो डंप करेगा और दिखाएगा कि कैसे। और अब ये वाइप किया टिश्यू से और इसके बाद ये पूप बैग हटाया, रैप किया और एक छड़ी से इसे पुश बैक कर दिया। सो ऐसे यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉट्स टॉयलेट्स स्पेस में। सो आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए कीप विजिटिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।